हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इग्रामीमन और अभी जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा वन शॉट रिवीजन जो चल रहा है, उसका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ये तो स्टे ट्यून, उसको लास्ट तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं, हमने ऑलरेडी नॉर्मेटिव थ्योरी को डिस्कस कर लिया, मैंने आपको उसके क्रिटिक्स बता दिए थे, उसके बाद हम समझेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में। देखिए, मैंने आपको जो है इसके पहले वाले वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया था नॉर्मेटिव थ्योरी और उसके जो है क्रिटिक्स, उसके प्रोज और कॉन्स, उसके अप्रोचेस, ठीक है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो है यानी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी हिस्टोरिकल अप्रोच। तो हिस्टोरिकल अप्रोच मतलब ये होती है कि जो पॉलिटिकल फिनोमिना है उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री और जैसे कि जॉन सीधे बताते हैं, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में लिख कर आना, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री, ठीक है, इस तरीके से वो बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्यों बताते हैं, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल फिनोमिना को पढ़ने के लिए आप हिस्ट्री को यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ जो है जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्रेजेंट में आज हम लॉज बनाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिक्टेट करता है, जैसे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स एंड एंगल ने जो है इसको सजेस्ट किया था, हेगल ने सजेस्ट किया था, जिसके अंदर बताते हैं कि किस तरीके से कम्युनिस्ट सोसाइटी बनती है, प्री कम्युनिस्ट सोसाइटी से मॉडर्न मॉडर्न कम्युनिस्ट सोसाइटी को बनाने की कोशिश करते हैं, मार्क्सिज्म में समझेंगे। पॉलिटिकल थॉट जो है उसको है ना समझा जा सकता है हिस्टोरिकल इवेंट के थ्रू, और इसी को बताया जाता है जॉर्ज सेबाइन की बुक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन जरूर करना, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट जॉर्ज सेबाइन। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे हम हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट जॉर्ज सेबाइन की बुक में से पढ़ेंगे। तो हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो क्या करती है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स सेट करती है किसके, पॉलिटिकल हिस्ट्री के। तो हिस्टोरिकल अप्रोच क्रोनोलॉजिकल इवेंट सेट करने में हेल्प करती है। लेसन जो है जो पुराने तरीके से जैसे कि जो चीज़ें आपने कर ली है उससे आप कुछ लेसन सीखते हो, ठीक है, फेलियर और सक्सेस हुई गवर्नमेंट, तो उससे आप बहुत सारे लेसन सीखते हो और उससे जो है कहीं ना कहीं आप जो है वो लेसन को इम्प्लीमेंट करके फिर आप जो है आर्ट ऑफ गवर्नेंस में अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद जॉर्ज सेबाइन बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस की मैंने आपको बताया था फादर एरिस्टोटल माना जाता है, ये एम्पिरिसिज्म पे बेस्ड होती है। इसकी पॉलिटिकल साइंस जो होती है वो बताते हैं कि हर सब्जेक्ट में इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल फिलोसफी जो कि रूसो द्वारा दी गई थी, प्लेटो एरिस्टोटल इनकी जो फिलोसफीज है इनको भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाना चाहिए। और वो बताते हैं कि पॉलिटिकल थिंकिंग का रूट्स होती है, रूट्स मतलब जैसे कि पेड़ होता है तो उसकी जड़ें भी होती है ना, वैसी पॉलिटिकल थिंकिंग की जड़ें होती है। और हर एक प्रेटी स्पेसिफिक सिचुएशन में, ठीक है, हर एक प्रेटी स्पेसिफिक सिचुएशन में, जैसे आज आपके टाइम में कुछ हो रहा है, आप कुछ हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ कहते हैं ना, जैसे कि आज कोरोना आया था 2020 में आया था, तो वैसे ही हम 100 साल पहले देखते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में, तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ भी कहते हैं। और जब हम कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो उसमें कैसे डील करना है उसको हम जो है पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल रेफरेंस देख सकते हैं। तो रेफरेंस टू प्रिटी स्पेसिफिक सिचुएशन में काम करती है, और इसलिए हर एक हिस्टोरिकल अकाउंट का आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता है, मैंने आपको पहले बताया था, जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो, हॉब्स की पढ़ते हो, रोजो की पढ़ते हो, लॉक्स की पढ़ते हो, या मैकेवली की पढ़ते हो, या फिर आप एरिस्टोटल या प्लेटो की पढ़ते हो, उस टाइम पर क्या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था, सोशल कॉन्टेक्स्ट था, वो पढ़ना ज़रूरी है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम प्लेसेस एंड सर्कमस्टेंसेस बिकम इम्पेरेटिव। उसके बाद हम समझेंगे हर पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उस कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिव होती है, लेकिन आज के टाइम पर भी आप उससे कुछ ना कुछ डिराइव ज़रूर कर सकते हो। वैसे ही जॉर्ज सेबाइन जो है बताते हैं पॉलिटिकल थ्योरी तीन तरीके की होती है, तीन तरीके की मतलब नॉर्मेटिव एम्पिरिकल वाली नहीं, मतलब पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक होता है फैक्चुअल पार्ट, जिसमें स्टेटमेंट्स होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है, ठीक है, जो ऐसे फैक्चुअल डायमेंशन होते हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें हुई है, किसने उसको जन्म दिया है। जैसे कि मार्क्स ने जब लिखा था तो मार्क्स ने पहले तो कम्युनिज्म की बहुत बुराई की, सॉरी कैपिटलिज्म की बहुत बुराई की, बहुत बुराई की, उसके बाद उन्होंने कम्युनिज्म सजेस्ट किया। तो ये जो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो है वो पर्टिकुलर थ्योरी जन्म दे रही है, इसे हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। फिर कॉजल थ्योरी जो मतलब कॉजल काइंड की होती है, इसके अंदर क्या कहते हैं बताया जाता है कि इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फिर वैल्यूएशन मतलब उसको सॉल्यूशन बताया जाता है, जैसे मार्क्स ने बताया था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि कैसे होना चाहिए और कम्युनिज्म का फॉर्मेशन। अब अगर हम हिस्ट्री को देखें तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल की हम बात करते हैं, वो और जो है एथेंस में थे सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ फोर्थ सेंचुरी, और हॉब्स रूजो और लॉक पॉलिटिकली 1640 से 1619 यूरोप तक के। तो ये दोनों एक ऐसा टाइम है जब हिस्टोरी मतलब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसिडर किया जाता है पॉलिटिकल हिस्ट्री में, बिकॉज ये 50-50 ईयर का टाइम है, लेकिन ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि सेबाइन बताते हैं कि ग्रेट पॉलिटिकल आइडियाज, जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप कोई प्रॉब्लम में रहते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हो, मतलब आपकी जो है इनर एबिलिटीज़ बाहर आती है। तो वैसे ही वो बताते हैं कि ग्रेट पॉलिटिकल आइडियाज़ हिडन होते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस में,
ठीक है, मतलब कोई पॉलिटिकल सोशल क्राइसिस इमर्ज होकर आता है तो फिर वो ग्रेट आइडियाज़ भी निकल कर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि क्राइसिस खुद ब खुद वो आइडिया लेकर आएगा, दे आर नॉट जनरेटेड बाई क्राइसिस इटसेल्फ, बट जो फिलोसफिकल और जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं उनके द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है। पॉलिटिकल फिलोसोफर जो होते हैं, अब आप सोचोगे कि भले ही वो लोग पॉलिटिक्स का पार्ट ना हो, आप आज के टाइम में पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होगे, एक कॉमन सिटीजन होगे, लेकिन आपको इंडिया की सिचुएशन मालूम होगी। आज के टाइम पे आप जो पॉलिटिकल थ्योरी लिखोगे वो इंडिया की सिचुएशन को डील करने के लिए लिखोगे, तो आपकी आज की थ्योरी आज के सोशल कॉन्टेक्स्ट से जो है रिलेटेड रहेगी। तो अब भले या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या ना हो, बट उनका आपकी जो पॉलिटिकल थ्योरी रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। और आपको जो पॉलिटिकल थ्योरी रहेगी ये दो डुअल रोल प्ले करती है ऐसा माना जाता है। एक तो ये कॉज भी बनेगी, कॉज बनेगी मतलब जो है चेंज लाने के लिए कॉज बनेगी, और एब्स्ट्रैक्ट डोमेन ऑफ थॉट भी रहेगी। अब इसके क्रिटिक्स क्या है, देखिए क्रिटिक्स हिस्टोरिकल अप्रोच के वो बताते हैं कि सबल्टर्न स्टडीज़ का जो ग्रोथ हुआ है, जैसे कि इसमें रंजीत गुहा और आपको देखने को मिलता है ग्रामस्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इटालियन जो इटालियन थिंकर है, तो उसमें बताने की कोशिश होती है कि हिस्ट्री जो होती है ना ग्रेट मैन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और है ना कहीं बहुत ज़्यादा जो एस्पेक्ट थे पुअर की वॉइस थी वो सब निगलेक्ट कर दी गई है, तो हिस्ट्री रिटर्न होती है बाय विक्टर्स। और एलनबर बताते हैं कि पास्ट हिस्ट्री में मतलब यू नो अलार्मिंग गैप्स है, क्योंकि ये ग्रेट मैन एंड इवेंट्स के द्वारा लिखी गई है, मतलब ग्रेट मैन और इवेंट्स इसमें बताए जाते हैं, ना कि कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ टोटल पॉलिटिकल थ्योरी। तो जैसे कि आप पढ़ते हो कि वॉर हुआ ये हुआ, लेकिन लोगों के साथ क्या हो रहा है वो आप नहीं पढ़ते हो, सिर्फ जो ऊपर ऊपर की बातें हैं वो पढ़ते हो। तो सबाल्टर्न स्टडीज इसलिए है ताकि आप ग्रास रूट लेवल पर चीज़ों को पढ़ सको। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमें जो है हमेशा क्या करना चाहिए, हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री दो तरीके की होती है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा कट गया है, इसको हिस्ट्री जो होती है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ पर, और उसके बाद है ना यहाँ पर फैक्चुअल एंड फिनोमेना इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ हिस्ट्री को जो है ना लिमिट नहीं करना है टू फैक्चुअल इंटरप्रिटेशन, मतलब सिर्फ फैक्चुअल और डेटा पर आपको रिलाई नहीं करना है, आपको फैक्चुअल और फिनोमेना का भी इंटरप्रिटेशन करना है। उसके बाद जो आप एविडेंस को कलेक्ट करोगे हिस्ट्री में, मतलब लिमिटेशन चाहिए हिस्टोरिकल अप्रोच की, वो हमेशा ट्रूथ होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में जो है होना चाहिए, विजिलियंस आपको रिक्वायर्ड है, सावधानी से आपको काम करना है, और हिस्टोरियन जो है वो मतलब बायस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे हिस्टोरियंस बायस्ड होते हैं टूवर्ड पर्टिकुलर रिलीजन कास्ट सेक्ट, और उसी के कारण वो हिस्ट्री को उस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि नेशनल स्ट्रगल में आपको देखने को मिलता है कि कुछ पार्ट ऑफ हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जाता है, कुछ पार्ट को जो है कहीं ना कहीं डिग्रेड किया जाता है। तो हिस्ट्री जो हिस्टोरियन को ट्रूथफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रादर देन बीइंग बायस्ड। उस जैसे कि सर आइवर जेनिंग्स के बारे में बताया जा रहा है, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशलिस्ट थे, और वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने इंटरप्रेट किया था, और उनकी इंटरप्रिटेशन आज भी जो है मानी जाती है ट्रस्टवर्दी। फिर रॉबर्ट मैकेंजी का आपने नाम बहुत अच्छे से सुना है, इन्होंने पार्टी सिस्टम के बारे में रिसर्च की थी। मैकिंटोश ने इंग्लैंड कैबिनेट सिस्टम के बारे में रिसर्च की थी। तो इसी के साथ हमारा ये जो हिस्टोरिकल वाला पार्ट है खत्म होता है, एम्पिरिसिज्म समझ लेते हैं। एम्पिरिसिज्म जो है क्या होता है, जैसे कि थर्ड पॉलिटिकल थ्योरी है ये, एक हो गई हमारी नॉर्मेटिव, एक हो गई हिस्टोरिकल, और एक हो गई एम्पिरिकल। तो एरिस्टोटले जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्पिरिकल यू नो फिलोसोफर माने जाते थे, और मैकेवली जो है मॉडर्न टाइम्स में जो है जिसकी मेडिवल टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने प्रिंस लिखी थी, और प्रिंस जो है द प्रिंस लिखी थी उन्होंने, उसमें बहुत सारी एम्पिरिकल चीज़ें बताई थी, रियलिस्टिक चीज़ें बताई थी। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को भी आप एम्पिरिकल कंसिडर कर सकते हो। तो एम्पिरिकल अप्रोच क्या होती है, वो बिलीव करती है कि जितनी भी आप हाइपोथेसिस दे रहे हो, थ्योरी दे रहे हो, उसको आप हमेशा जो है टेस्ट करके जो है बिलीव करो, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोसेस है, उसको टेस्ट करो, उसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं। जैसे कि टच, और मैंने आपको उसके पहले बताया था एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव में डिफरेंस, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता दूंगी पर। और इम्पार्शल अप्रोच रखनी होती है, और ये जो है बाद में जाकर जो है पॉजिटिविज्म का पार्ट बनता है, ठीक है। पॉजिटिविज्म जो होती है मतलब साइंटिफिक बेसिस से आपको जो है क्या समझना है, आपको समझना है पॉलिटिक्स को। उसके बाद बिहेवियरिज्म का पार्ट बनती है कि ऐसी चीज़ें ही आपको जो है कंसिडर करनी है जो ऑब्जर्वेबल है और क्वान्टिफाइबल है, जो इसके फाउंडर थे जॉन बी वेटसन। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है, मैं आपको ऑलरेडी जो है बता चुकी हूँ मेरे लास्ट वीडियो में रिगार्डिंग दी दोनों के बीच में डिफरेंसेस, नॉर्मेटिव और पॉलिटिकल, नॉर्मेटिव वर्ड्स में डिफरेंस बता चुकी हूँ, देखिए। और फिर बाद में जाकर पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है उसको चैलेंज करता है, जिसमें फिलोसफी और साइंस निकल कर आती है, नॉर्मेटिव और उसके बीच में टशन चलते रहता है बहुत टाइम तक के। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल में क्या डिफरेंस है। यूजुअली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल में आएगा डिफरेंस, आपको लिखना पड़ेगा एटलीस्ट 10 पॉइंट, और उसके बाद जो है यहाँ पर 6 पॉइंट है, लेकिन बहुत लिमिटेड है, हर एक पॉइंट को आप डिफरेंट भी कर सकते हो। क्वालिटेटिव में एक पॉइंट लिखना, यहाँ पर क्वान्टिटेटिव में लिखना, यहाँ इंटरप्रिटेटिव लिखना, यहाँ वेरीफाइबल लिखना,
कि नॉन इवेल्यूटिव लिखना है या रियलिस्टिक लिखना, तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि ये जो है आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, फिर तो दोनों के प्रोज और कॉन्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, और उसके बाद जो है हिस्टोरिकल अप्रोच जो है, हिस्टोरिकल अप्रोच और ये सारे हिस्टोरिकल अप्रोच मैंने डिस्कस कर लिए, और नॉर्मेटिव थ्योरी के 3 पार्ट मैंने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ तक ही हमारा हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं लिबरलिज्म, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर, सेकेंड नहीं थर्ड यूनिट है आपका, उसका लिबरलिज्म डिस्कस कर लेते हैं, मार्क्सिज्म डिस्कस कर लेते हैं और एनार्किज्म डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। और मैं आपको बता देती हूँ, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, एनार्किज्म के अलावा आपको जो है कंजर्वेटिज्म आप छोड़ के जा सकते हो, बिकॉज दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म में बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, लिबरलिज्म का ब्रॉड स्ट्रीम देखेंगे, कोर टेनेंट्स देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी के बारे में देखेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, लिबरल थिंकर्स, क्रिटिसिज्म, लिबर्टी के फॉर्म, मार्क्सिस्ट कंसेप्शन, बेसिक टेनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिबरलिज्म इसमें कुछ भी टॉपिक आ सकता है। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं बहुत आसानी से। ये नोट्स अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि नोट्स में हम पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे नोट्स सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर, बहुत ही ईजीली वे में डले हुए हैं वहाँ पर। और उसके अलावा जो है आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट है वो आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो लिबरलिज्म जो होती है एक पॉलिटिकल और फिलोसफिकल आइडियोलॉजी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरीके की आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये बिलीव करती है कि लिबर्टी, मतलब आज के टाइम पर लिबरलिज्म जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी हो गई है। ये बिलीव करती है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, और पब्लिक पॉलिसी का यही जो है फर्स्ट और फॉरमोस्ट गोल होना चाहिए। इसके अंदर हम समझते हैं एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी मतलब कोई भी वर्ड का जो है शुरुआत कैसी हुई, इसका ओरिजिन क्या था, लिबरल थिंकर के बारे में, ये सब चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे लिबर वर्ड से आया है लिबरलिज्म। लिबर वर्ड से मतलब होता है फ्री, लिबर का मतलब होता है फ्री, तो लैटिन वर्ड है ये, और ये मतलब होता है, और ये जो है उस टाइम पर जब स्लेव सोसाइटी चल रही थी 15-16 सेंचुरी तक के, तो उसके उसका ओरिजिन इस तरीके से हुआ कि इसके अपोज में जो है आई थी, ठीक है। और फ्यूडलिज्म भी उस टाइम पे ब्रेक हो रहा था, ठीक है। फ्यूडलिज्म का जो स्ट्रक्चर था, जिसमें क्या कहते हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर था, आपको पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, थर्ड स्टेट हुआ करते थे, तो वो सब का जो है फ्यूडलिज्म का ब्रेकडाउन उस टाइम पर आपको देखने को मिलता है। फिर आपको देखने को मिलता है कि इंग्लिश रिवॉल्यूशन हो रहा था 17th सेंचुरी में, उसमें भी लिबरलिज्म जो है की आइडियोलॉजी थी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी थी, ये सारी में लिबरलिज्म एक की आइडियोलॉजी थी। और लिबरलिज्म क्रिटिक में इमर्ज होता है, मैंने आपको पहले बताया, और फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म एक ऐसा एग्रीरियन बेस्ड प्रोडक्शन था जिसके अंदर जो है इम्पार्शलिटी तरीके से जो होती थी, सोशल हायरार्की होती थी, जिसमें आपको जो है टैक्सेशन उस तरीके से पे करना है, और ऑब्लिगेशन मतलब आपको ऑब्लाइज करना है उस सिस्टम से, डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जो लुई 16 उस टाइम पर आपको पता है बॉर्बन डायनेस्टी के बारे में, तो किंग बोलते थे कि वट एवर आई से आई एम द स्टेट, वट एवर आई से इज द लॉ। तो मतलब वहाँ पर जो है रूलर जो होते थे उनको ऐसे बताया जाता था कि वो गॉड के द्वारा चूज किए गए हैं, और उनको जो है मतलब ह्यूमन को अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन रखनी है उनकी तरफ। अथॉरिटी ऑफ चर्च उस टाइम पे थी, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ चर्च को ख़त्म करने के लिए उस टाइम पर आपको पता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई 30 ईयर्स ऑफ रिलीजियस वार के बाद, जिसमें प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में वार चल रहा था, और उसके बाद जो है अथॉरिटी ऑफ चर्च जो है डिक्लाइन हो गई, और रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी सेपरेट हो गई। एब्सोल्यूटिज्म की बात करें तो पॉलिटिकल पावर जो है वो कंसिडर की जाती है कि एब्सोल्यूटिज्म जो है मतलब कि सारी पॉलिटिकल पावर जो है एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में दी जाती है, वो डिक्टेटर बन जाता है। ये सब की क्रिटिक में जो है लिबरलिज्म इमर्ज होकर आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लिबरलिस्ट जो होते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। तो लिबरल्स जो है ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत ईजी है, आपको पता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करेगी। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब आप जो है गवर्नमेंट को सिलेक्ट करोगे। इक्वालिटी मतलब सब लोग इक्वल रहेंगे, कोई फ्यूडल स्ट्रक्चर नहीं। और कैपिटलिज्म की बात करती है मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी की, ठीक है। लिबरल जो है उनके आइडियोलॉजी में डिफरेंट करते हैं, लेकिन उनके कुछ कुछ जो है टेनेंट जो है सेम है। ये टेनेंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं, इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, रीजन, जस्टिस, टॉलरेशन, और आपको एक आध दो और ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 5 तो लिखने ही है। उसके बाद जो है आपको देखना है कि कोर टेनेंट्स है इसके अंदर, इंडिविजुअलिज्म मतलब इंडिविजुअल जो है सुप्रीम इंपॉर्टेंस उसको दी गई है कोई भी सोशल ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि फ्रीडम, तो लिबरल्स जो है फ्रीडम को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, मतलब फ्रीडम जो है फ्रीडम जिसको लिबर्टी भी कह सकते हो आप, तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है देते हैं वो लोग। और इसमें आप जो है अलग अलग पॉइंट्स कोट कर सकते हो इंडिविजुअलिज्म में, आप जॉन लॉकी का पॉइंट कोट कर सकते हो कि जो नेचुरल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसके बाद फ्रीडम में आप बोल सकते हो कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट इज इन चेन एवरीवेयर, वो वाली चीज़ को जो है लिबरल सपोर्ट नहीं करते।
रीजन के अंदर आप कर सकते हो। रीजन के अंदर जो है मतलब रैशनलिज्म एक बिलीफ होता है कि वर्ल्ड का रैशनल स्ट्रक्चर है और उसको जो है आप डिकोड कर सकते हो। तो रैशनलिज्म मतलब लोग रीजन और इंक्वायरी पे बिलीव करते हैं, एनलाइटनमेंट पीरियड था ये वाला, ठीक है, जस्टिस पे बिलीव करते हैं, मतलब सबको जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस इंश्योर होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस की बात होती है यहाँ पर, और यहाँ पर इम्पार्शलिटी की बात होती है, टॉलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि एक जे एस मिल का कोट है, सॉरी जे एस मिल का नहीं, वॉल्टर का कोट है, कि आई डिटेस्ट वॉट यू से बट आई डिपेंड टिल डेथ माई यू नो योर आई डिपेंड टिल डेथ योर आगे बढ़ा बताती हूँ, आई विल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से इट, राइट योर राइट टू से इट, ठीक है। तो मैं पांचों आइडियाज को डिटेल में डिस्कस किए हैं, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं तभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि यहाँ पर टॉलरेशन मतलब जो प्लूरलिज्म है, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इन सबको टॉलरेट करना, और हर मैटर में जो है क्या कहते हैं इंडिविजुअल को डिसाइड करने देना, जो कि पर्सनल चीज़ है जैसे रिलीजन वगैरह, और वहाँ पर उसको कंप्लीट लिबर्टी देना है, ठीक है। लिबरलिज्म के फाउंडर जो है जॉन लॉक ही माने जाते हैं, लिबर्टी के फाउंडर जे एस मिल माने जाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है आगे चल के बताऊंगी। तो टॉलरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्सनल ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक एक को हम समझते हैं, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, तो इंडिविजुअलिज्म मतलब इमैनुअल कांट बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स आर एन एंड इन देमसेल्फ एंड नॉट मेयरली एज मेयरली फॉर अचीवमेंट ऑफ द एंड्स ऑफ अदर्स। तो इसको हम डिओंटोलॉजिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं, मतलब इंडिविजुअल खुद में एंड है एंड दे आर नॉट द मीन्स ऑफ अचीविंग समवन एल्स एंड, मतलब आपको जो है खुद पे एम्फोसाइज करना है, ठीक है। और इंडिविजुअलिज्म हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बाद में जाकर सी बी मैकपर्सन जो है दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं इंडिविजुअलिज्म के अंदर, जो है इगोइस्टिक इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एटोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म आ जाता है। सी वी मैकपर्सन बताते हैं कि अर्ली लिबरलिज्म जो है वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म था, इस तरीके से बताते हैं, और वो फिर मतलब अर्ली लिबरलिज्म को पॉजिटिव लिबरलिज्म बताते हैं, इंडिविजुअलिज्म बताते हैं। बाद में जाकर जो है दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है, क्लासिकल और मॉडर्न, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि लिबरलिज्म के अर्ली एक्सपोनेंट्स कौन थे, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम। तो लॉक कौन थे, इसमें से फादर ऑफ लिबरलिज्म मान जाते हैं, एडम स्मिथ जो है ये आपको पता है फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, ठीक है, और जेरेमी बेंथम जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर है। तो ये सब लोग जो है इस तरीके से है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रीडम। तो फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटायर लिबरल आइडियोलॉजी में। अब देखिए फ्रीडम मतलब क्या होती है, जे एस मिल जो है फादर ऑफ लिबर्टी कंसिडर किया जाता है, क्यों, वो मतलब बताते हैं कि दो तरीके के प्रिंसिपल बताते हैं, दो एक्शन रिगार्ड करते हैं। एक एक्शन जो होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है, मतलब आपका रिलीजन, आपका इंजॉयमेंट, आपका सब कुछ ये जो है सेल्फ रिगार्डिंग है, ये जो है दूसरों को जो है क्या कहते हैं आप दूसरे इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपको इसमें पर्सनल जो है एब्सोल्यूट फ्रीडम है। और दूसरा जो है ऐसा होता है, दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग। अदर रिगार्डिंग मतलब जो दूसरों की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, मतलब अगर आप कहीं पर जा रहे हो वहाँ पर जाकर आपने जो है कुछ कर लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है कोई किसी के साथ कुछ चोरी कर ली या किसी के साथ आपने कुछ ज़मीन ले ली, ऐसा मतलब कुछ भी तरीके का और आर्ग्यूमेंट किया जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, ठीक है। तो इसलिए जो है हर एक्शन को उन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा है। जॉन रॉल्स की बात करें तो जॉन रॉल्स बताते हैं कि हर एक इंसान को, मैंने ये चीज़ समझाई है न्याय नीति वाले कॉन्सेप्ट में, ट्रिपल आई पी टी में, आपने नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बाइडस लिबर्टी जो है सबको चाहिए, साइए बर्लिन जो है दो तरीके की लिबर्टी में डिस्टिंग्विश करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, और उनकी बुक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में। दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है जॉन रॉल्स भी जो है 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस में लिबर्टी प्रिंसिपल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी में डिफ्रेंशिएशन करने को आया तो आप कर लेना, अगर क्लासिकल और मॉडर्न में भी आया तो यही डिफरेंस आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगी। तो पॉजिटिव लिबर्टी बोलती है कि आपको मतलब आपके पर्सनल जो है ऑटोनॉमस है, खुद का मास्टर है, लेकिन निगेटिव लिबर्टी मतलब बोलती है कि इंडिविजुअल की लाइफ में आप इंटरफेयर ही मत करो, कुछ भी उसको मत करो, आप छोड़ दो उसको, ठीक है। लिबर्टी जो है मतलब कुछ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन के साथ आएगी, आपने 11th में पढ़ा होगा, कुछ लिबर्टी अगर रेस्ट्रिक्शन के साथ है तो वो पॉजिटिव है, अगर बिना किसी एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन के है तो नेगेटिव है। और इंडिविजुअल को लिबर्टी दी जाती है ताकि वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सके, ये पॉजिटिव लिबर्टी है। और अगर कोई भी तरीके का इंटरफेरेंस बोलेगा मुझे लोगों का नहीं चाहिए तो इस तरीके से नेगेटिव लिबर्टी है। इसमें आपको थॉमस हिल ग्रीन यानी टी एच ग्रीन जो कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं, जीन जैक्स रूजियो, ये आपको मॉडर्न मतलब पॉजिटिव लिबर्टी के दिखेंगे, और जो जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, एडम स्मिथ, हॉब्स, इसाइया बर्लिन जितने भी है ये आपको नेगेटिव लिबर्टी के फाउंडर्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और ये जो बोलते हैं कि स्टेट जो है नेसेसरी इविल है, ठीक है।
अब दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो है हम समझ सकते हैं कि क्लासिकल और मॉडर्न में क्या डिफरेंस है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म वन अकॉर्ड विद नेगेटिव लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म पॉजिटिव लिबरलिज्म, यहाँ मिनिमम स्टेट रहेगा या वेलफेयर स्टेट रहेगा। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ये शॉर्ट रिविजन है, तो लॉन्ग वीडियो देखने के लिए वहाँ जाकर जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। तो ये शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ, यहाँ मेरिटोक्रेसी होती है, मतलब हर इंसान के पास जो होती है अनइक्वल टैलेंट्स को डेवलप करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, और यहाँ पर जो होती है कुछ सोशल जस्टिस को आपको जो है डेवलप करने की बात की जाती है। मतलब अगर कोई लंगड़ा है, लंगड़े को आप बोलोगे कि आप जो है पैर वालों के साथ दौड़ोगे तो वो गलत चीज़ होगी ना, तो यहाँ सोशल जस्टिस इम्प्लाई होता है। यहाँ पर जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताते हैं कि अगर इनक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इन सोसाइटी तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए टू बेनिफिट द लीस्ट बेनिफिट इन सोसाइटी, ठीक है। और ये 18वीं 19वीं सेंचुरी में देखने को मिलती है, 20 और पोस्ट 20 सेंचुरी में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, यहाँ पर मैंने आपको लिबरल डिस्कस कर लिया, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब रीज़न की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, तो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके अंदर इन्लाइटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो बोलते हैं कि बहुत सारे की इन्लाइटमेंट थिंकर जैसे जीन जैक रोजियो, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, वो पैटर्नलिज्म के अगेंस्ट है। व्हाट इज पैटर्नलिज्म? जब स्टेट जो होता है कम्प्लीटली एक फादर और बच्चे ऐसा रिलेशनशिप रखता है अपने प्रजा के साथ, हर चीज़ बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इट इज़ पैटर्नलिज्म। जैसे कि अशोका के टाइम पे जो स्टेट था वो पैटर्नलिज्म था, ठीक है। तो वो वाला स्टेट नहीं चाहिए इनको, इनको चाहिए कि हर इंडिविजुअल खुद रीज़न करे, इंक्वायरी करे और अपने अकॉर्डिंग मॉरल चॉइसेस डेवलप कर सकता है, ठीक है। लिबरलिज्म के अंदर अगर आप देखो तो आपको तीन तरीके के लिबरलिज्म मिलेंगे, एक होता है क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म, ठीक है। क्लासिकल में जो है किस पे फोकस, दो तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूटिलिटेरियनिज्म और आपको देखने को मिलता है एक तो आप डियोन्टोलॉजिकल लिबरलिज्म भी बोल सकते हो। मॉडर्न लिबरलिज्म में पॉजिटिव लिबरलिज्म आता है जिसके अंदर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म के अंदर आपको आता है नियो लिबरल्स, न्यू लिबरल्स जैसे कि 1990s ऑनवर्ड्स, आपको पता है इंडिया में LPG लाया गया, पहले दूसरी कंट्रीज में भी लाया जा रहा था 1960s ऑनवर्ड्स। तो न्यू लिबरलिज्म मतलब बोलते हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इकोनॉमी से बाहर आना चाहिए। न्यू क्लासिकल लिबर्टेरियन जैसे कि रॉबर्ट नॉजिक, F.A. हायक, और ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, यहाँ ग्लोबलाइजेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं जॉन रॉल्स का जस्टिस वाला आइडिया। जस्टिस वाला आइडिया बहुत अच्छे से मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, इसमें समझाया है मैंने आपको, न्याय नीति में समझाया है, वहाँ जाकर भी समझ सकते हैं बहुत प्यारे तरीके से। नहीं समझना है तो यहाँ शॉर्ट में समझ लीजिए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोलते मैंने आपको बताया था ओनली जस्टिफाइबल वर्क करती है टू बेनिफिट फॉर द पुअर्स ऑफ द सोसाइटी। इंडिया में आज ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। सब्सिडीज़ का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, रिजर्वेशन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जस्टिस एक ऐसा आइडिया है जो इक्वालिटी इंश्योर करता है, इम्पार्शलिटी इंश्योर करता है, ठीक है। और जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर दी पार्ट ऑफ यू नो हमारे जो लिबरल्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉर्मल इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल एडेड सफ्रेज, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू वाला जो पॉइंट है, ये भी जो इक्वालिटी है इन फॉर्मल इक्वालिटी है, मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लीगल इक्वालिटी है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके की इक्वालिटीज़ होती है, इकोनॉमिक इनक्वालिटी की बात नहीं करते ये लोग, पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी की बात करते हैं। मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कौन करते हैं? मार्क्स करते हैं, मतलब वो बोलते हैं सारे सोसाइटी में सब लोग इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लिबरल्स क्या बोलते हैं इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट के लिए क्या है कि इंडिविजुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिख कर आना, इंडिविजुअल शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर अनइक्वल टैलेंट, ठीक है। मतलब हर इंसान के पास टैलेंट इक्वल नहीं होता है, तो वो इकोनॉमिकली इक्वल नहीं रहेंगे, लेकिन उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि वो अनइक्वल टैलेंट को डेवलप कर सके। और ये जो है मेरिटोक्रेसी का आइडिया है। मेरिटोक्रेसी का आपको आइडिया पता है, आज के टाइम में मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी है हमारी, ठीक है। मतलब जो जितना कैपेबल है वो उतना ज़्यादा जो है लाइफ में प्रॉस्पर करेगा, ठीक है। तो मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट है, और जितना जो इंसान जिस तरीके से टैलेंट का एप्लीकेशन करेगा उसी तरीके से इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटीज नहीं है सोसाइटी में, कोई गरीब है कोई अमीर है, लेकिन मेरिटोक्रेसी किसको कहते हैं कि जो गरीब है वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं उसने अपने टैलेंट का यूज़ नहीं किया। लेकिन टू द एक्सटेंट कई कई पर ये सही नहीं होता है क्योंकि वो हिस्टोरिकल फैक्टर से भी अफेक्टेड होते हैं, इसलिए उनको सब्सिडी और रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। ये जो मैं आपको स्टेटमेंट बताई थी टॉलरेशन का कि आई डिटेस्ट व्हाट यू से, मैं मतलब मुझे पसंद नहीं है तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम मेरी डेथ तक के जो है तुम्हारा जो हक है इसको बोलने का मैं इसको डिफेंड करूंगा, ये फ्रेंच राइटर जो है वॉल्टेयर बताते हैं। कितनी भारी बात हो गई। तो J.S. मिल बताते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि टॉलरेशन करनी है आपको, प्लूरलिज्म की बात करनी है। यहाँ तक कि J.S. मिल बताते हैं वो J.S. मिल जो है डेमोक्रेसी के आइडिया को सपोर्ट नहीं करते, वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी से मेजोरिटेरियनिज्म होता है। अगर 51 लोग
51 मतलब लोग, मतलब 51 लोग अगर जो है एक आइडिया को पसंद कर रहे हैं और 49 नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 49 मतलब सिर्फ 2 लोगों के लिए आप 49 लोगों का जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आइडिया जो है डिजेक्ट करते हैं जेएस मिल। इनफैक्ट वो बताते हैं कि इफ ऑल द ह्यूमैनिटी, ठीक है, और इफ ऑल माइनस वन, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और एक इंसान एक तरफ, एक ओपिनियन के है और एक ही पर्सन जो है का कॉन्ट्ररी ओपिनियन का है, तो मैनकाइंड जस्टिफाइड नहीं होगा कि उसको जो है शांत करवा दे, बल्कि अगर उसके पास पावर रही तो वो जो है पूरी मैनकाइंड को शांत करवा सकता है। तो लिबरलिज्म के लिए टॉलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, प्लूरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जे एस मिल बताते हैं कि डेमोक्रेसी जो मैंने आपको बताया, ये डल कन्फॉर्मिज्म को जो है प्रमोट करती है, मतलब हर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं मेजोरिटी की बात माननी पड़ती है। और मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं वो लोग, इसलिए जो स्टेट को जो है पर्सनल अफेयर्स में घुसना ही नहीं है, इसको जो कल्चर माननी है मानिए, जो रिलीजन मानना है मानिए, स्टेट को जो है उस मैटर्स में नहीं घुसना है। ये लिबर्टी का अमल लिबरलिज्म का आइडिया है। देखिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो एडम स्मिथ जो है लेसेज फायर का यूज़ करते हैं, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी, मार्केट जो होता है सेल्फ रेगुलेटिव होता है जैसे कि एडम स्मिथ ने बताया था, और बोलते हैं कि मार्केट जो होता है खुद अपना लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का टेक केयर कर लेता है। कैपिटलिस्ट को मतलब बोलते हैं कि सप्लाई डिमांड का वो वर्कफोर्स आपको मालूम होगा अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है, वो बोलते हैं ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वर्कर जो है अपना लेबर सेल करेगा, कैपिटलिस्ट जो है वो ढूंढेगा, फ्री मार्केट से मैक्सिमम लिबर्टी रहती है दोनों के लिए, ठीक है। स्टेट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है बाद में जाकर जो है मॉडर्न लिबरल्स को चैलेंज करते हैं और कीनीजियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स लेकर आते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई को रेगुलेट कर सकता है। अगर समझिए एक कैपिटलिस्ट है, ठीक है, एक कैपिटलिस्ट है, उसको 10 लोगों को रिक्रूट करना है और पद मतलब जितने लोग आए इंटरव्यू देने के लिए वो 1,000 आए, तो वो अपने अकॉर्डिंग सैलरी निगोशिएट करेगा। तो ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि हमेशा जो होता है सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है और स्टेट जो है इसमें इंटरफेयर कर सकता है। बाद में जाके मॉडर्न लिबरल्स का आइडिया था जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करते थे, जो कि कीनीजियन इकोनॉमिक्स का आइडिया था। ये सब मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, आप जो है जाके वीडियो चेक कर सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी की बात करें तो वहाँ पर वो लोग रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करते हैं, आज भी हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ, हर इंसान जो है लॉ के सामने जो है कानून बनता है, ठीक है। डेमोक्रेसी लोगों का वेलफेयर सपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम, और ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी में मेजोरिटी की बात सुन ली जाए तो माइनॉरिटी को निगलेक्ट कर दिया जाए, माइनॉरिटी को निगलेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी नहीं बनाई गई है, लेकिन क्योंकि आपको एक पॉइंट मुद्दे तक उतरना है इसलिए आपको डेमोक्रेसी को बनाना पड़ा। अब देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट आएगा यहाँ पर, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो जज जो है फ्री होना चाहिए, जैसे कि जज को जो है क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम उसका होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि बहुत सारे व्यूज़ होते हैं लिबरल थिंकर्स के लिबरलिज्म पे, अलग अलग व्यूज़ होते हैं। जॉन लॉक बताते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म कि मैन हैज़ अ नेचुरल राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और इसे कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। जे एस मिल लिबर्टी के फाउंडर है, इसलिए वो क्या बताते हैं कि ओनली फ्रीडम जो है वो जिसको जिसको ज़रूरत है वो ओनली फ्रीडम, जिसको है ना क्या कहते हैं नेम की ज़रूरत है, वो फ्रीडम है खुद के गुड को परस्यू करना इन आर ओन गुड वे, ठीक है। एक तो मतलब क्या कहते हैं जे एस मिल जो है डिफरेंट है फ्रॉम जॉन लॉक, बिकॉज वो बताते हैं कि जॉन लॉक जो है क्लासिकल लिबरल है, जे एस मिल थोड़े से मॉडर्न लिबरल की तरफ है, ठीक है। वो बताते हैं कि हमें जो है मतलब कहीं ना कहीं दूसरों को हार्म नहीं करना है, इतनी लिबर्टी हमको नहीं चाहिए। लास्की बताते हैं हेरोल्ड लास्की कि लिबर्टी से मेरा मतलब है एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना जहाँ मैन जो है अपने अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप कर सके। टी एच ग्रीन बताते हैं कि फ्रीडम मतलब ये होती है कि पॉजिटिव पावर का यूटिलाइजेशन करना, ही वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं, मतलब कुछ इन्जॉय करना जो कि कुछ वर्ड जो डूइंग है या फिर इन्जॉइंग करने के लिए। जी डी एच कोल बताते हैं लिबर्टी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल है एक्सप्रेस करना विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस इज पर्सनैलिटी। ऐसी ईसाई बर्लिन बताते हैं लिबर्टी प्रेजेंट होती है इवन वेन देर इज नो जस्टिस और इक्वालिटी। तो जो बर्लिन है कहीं ना कहीं थोड़े से टिल्टेड है टुवर्ड्स क्लासिकल लिबरलिज्म, मतलब जस्टिस हो इक्वालिटी हो नहीं हो, लेकिन जो है क्या कहते हैं लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म जो है नेगेटिव लिबर्टी का बहुत ज़्यादा आते हैं, बिकॉज क्रिटिसिज्म ये बताया जाता है कि उस टाइम पर कैपिटलिस्ट क्लास जो बन गई थी वो जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रही थी प्रोलेटेरिएट को। और लास्की के व्यूज़ क्या है ऑन पॉजिटिव लिबर्टी वो हम समझ लेते हैं। लास्की एग्री नहीं करते मिल्स आइडिया ऑफ लिबर्टी के, मिल आइडिया ऑफ लिबर्टी क्या था कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है अदर रिगार्डिंग एक्शन है, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, आप जो है दो तरीके से डिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डिवीजन है ही नहीं। आपका रिलीजन जो है कहीं ना कहीं आपके सोशल एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करता है, सोशल एक्टिविटीज़ आपके पब्लिक एरेना में आती है, पब्लिक पार्ट आपका
स्टेट का पार्ट होता है। तो वो तीन तरीके के बताते हैं, प्राइवेट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, तीन तरीके की लिबर्टी होती है और ये जो है सबके लिए आपको जो है इंश्योर करनी है। और वो बताते हैं कि लिबर्टी के लिए आपको जो है तीन तरीके की चीज़ें करनी है, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस किसी को नहीं देना है, यूनिवर्सलिटी रखना है, राइट्स के लिए स्टेट को इम्पार्शल रहना है, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी जो है सिर्फ लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि रिस्ट्रेंट्स हटा देना, बल्कि राइट्स जो होते हैं नेसेसरी होते हैं। और यहाँ तक तो बाद में जाके लोग बोलते हैं ना कि वेन देर इज़ नो लॉ देर इज़ नो फ्रीडम, ठीक है। अब ये मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम आ गया है, वैसे तो हम पढ़ेंगे बाद में जाकर इसको, मार्क्सिज्म के अंदर पढ़ लेंगे। तो मार्क्सिज्म जो है वो बोलते हैं कि ट्रू फ्रीडम जो है फ्री सोसाइटी के अंदर ही हो सकती है। तो मार्क्स बताते हैं कि आपको जो है क्या कहते हैं हर इंसान की नेसेसिटी को पूरा करना है, फ्रीडम जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नहीं हो सकती, और बोलते हैं कि फ्रीडम सिर्फ सोशलिस्ट सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और साथ साथ जो है जैसे कि लेनिन बताते हैं, व्लादिमीर लेनिन भी क्योंकि मार्क्सिस्ट से इंस्पायर थे, वो बताते हैं कि भले प्रोलिटेरिएट जो है डिक्टेटरशिप करे वो बेटर है, क्योंकि डेमोक्रेसी बूर्जुआ की डेमोक्रेसी थी, क्योंकि बूर्जुआ तो माइनॉरिटी था, ठीक है। जो अमीर लोग होते हैं हमेशा माइनॉरिटी होते हैं, 1% होते हैं, 99% कौन होते हैं, जो गरीब होते हैं। तो बेसिकली वो लोग जो है कहीं ना कहीं अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट वो यू नो मेजोरिटी की डेमोक्रेसी है। मार्क्सिस्ट बताते हैं कि फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती सोशलिस्ट सोसाइटी में, फ्रीडम सिर्फ कम्युनिस्ट सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करती है। इस तरीके से जो है वो बात करते हैं, मतलब मार्क्सिस्ट को जो है अल्टीमेटली कम्युनिज्म स्टैब्लिश करना है। अभी अलग अलग लिबर्टीज हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी, लास्ट की के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल लिबर्टी, पावर टू बी एक्टिव, अलग अलग लिबर्टीज हैं, इसको आप जो है समझ लेना, ठीक है। बेसिक टेनेंट्स की बात करें, मैन रैशनल क्रिएचर है, उसके पास इमेंस पोटेंशियल है, वो खुद को डेवलप कर सकता है, मैन की इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट में और कॉमन इंटरेस्ट में कोई कॉन्ट्राडिकेशन नहीं है, ठीक है। सिविल लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंसान विदाउट अपने कंसर्न के ऑब्लिगेशन नहीं अपना सकता, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी जो है प्रोडक्ट ऑफ फ्री बार्गेनिंग, मतलब डिफरेंट लोग आएंगे और साथ में बार्गेनिंग करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। लिबरल्स जो है मतलब प्राइमेसी देते हैं एंड प्रोडक्ट को, ठीक है, प्राइमेसी देते हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें भी आपको देखने को मिलेगा यूटिलिटेरियनिज्म एक्सटेंड निकल कर आता है, डिओंटोलॉजिकल लिबरलिज्म निकल कर आता है। तो आपको देखने को मिलता है कि कुछ लोग एंड्स को प्रेफरेंस देते हैं और कुछ लोग जो है मीन्स को प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद न्यू लिबरलिज्म की बात करें, तो न्यू लिबरलिज्म मतलब आज के टाइम पे जो है लेसिस फायर को रिस्टोर करना, लेसिस फायर मतलब जो होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। और वहाँ पर चीफ एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया था मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, एफ ए हायक। न्यू लिबरलिज्म बताते हैं कि लिबरलाइजेशन में है, मतलब रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, ये सब हटाना है। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट को जो है क्या कहते हैं अपना प्राइवेट मतलब ओनरशिप जो है खुद के हाथ में नहीं रखना है, प्राइवेट को दे देना है। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरलिंकिंग करना है इकोनॉमी का, ताकि जो है आप जो है कॉस्ट जो है कम कर सको प्रोडक्ट का, भले इसमें अंडर डेवलप कंट्रीज का नुकसान होता है लेकिन फिर भी आपको करना है। तो न्यू लिबरल जितने भी है वो सपोर्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस ऑर्डर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप को। अब आपको देखने को मिल गया, ये कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि लिबरलिज्म डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, क्लासिकल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने भी देख लिया कि लिबरलिज्म जो है थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म भी देता है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी देता है, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी लिबरलिज्म के अंदर जो है सर्वाइव करती हैं। क्रिटिक्स आने के बावजूद आज भी लिबरलिज्म पे हमारी सोसाइटी जो है वो बेस्ड है। यहाँ तक ये हो गया, अब हम मार्क्सिज्म समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है मार्क्सिज्म बेस्ड है ऑन दी जर्मन सोशियोलॉजिस्ट इकोनॉमिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिन्होंने लिखी थी, कार्ल मार्क्स, उनके क्लोज फ्रेंड के साथ फ्रेडरिक एंगल्स के साथ। मार्क्सिज्म का ओरिजिन कैसा होता है, लेसिस फायर के क्रिटिक में होता है, कैपिटलिज्म बहुत बढ़िया था, इनइक्वालिटीज बढ़ रही थी, बूर्जुआ जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसको, प्रोलिटेरिएट को। यूटोपियन सोशलिस्ट द्वारा जो है ये इंस्पायर्ड है, 18th-19th century में जो है सेंट साइमन, लुइस ब्लांक और रॉबर्ट ओवन आते हैं, इनको यूटोपियन सोशलिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं दे पाते। साइंटिफिक सोशलिस्ट जो है एंगल्स और मार्क्स कंसिडर किया जाते हैं। मार्क्स को अगर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से है, इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी है और साइंटिफिक फाउंडेशन भी आपको देखने को मिलेगा। मार्क्स के अंदर भी आपको दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी, क्लासिकल मार्क्सिज्म, एक नियो मार्क्सिज्म। तो क्लासिकल मार्क्सिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को इविल समझता है, क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, कैपिटलिस्ट की डोमिनेंस के बारे में बात करता है, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन, माओ ज़ेडोंग और रोज़ा लक्समबर्ग इसके अंदर है। और नियो मार्क्सिज्म आज के टाइम पे जो है ह्यूमन इमेंसिपेशन की बात करता है, फ्रीडम, एलिनेशन, वर्कर के राइट्स के बारे में बात करता है। और यंग मार्क्स के जो वर्क थे जो कि पब्लिश हुए थे बाद में जाकर इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैनुस्क्रिप्ट के तौर पर, तो वो जो है क्या कहते हैं इसमें से आइडियाज लेते हैं। अब देखिए बहुत सारे तरीके के मार्क्सिज्म होते हैं, मार्क्सिज्म की डिफरेंट फिलोसफीज हैं। बेसिक टेनेंट्स की बात करें तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है ये फिलोसफिकल बेसिस है, इसमें जो है आइडिया और डायलेक्टिक्स की बात होती है, ये हेगल से लिया था किसने, मार्क्स ने।
हैगल ने इसको कंबाइन कर, हैगल से आइडिया लेकर उन्होंने जो है कंबाइन कर दिया था इसको इकोनॉमिक मटेरियलिज्म के ऊपर। ठीक है, ये बताते हैं कि हर एक आइडिया सोसाइटी में थीसिस होता है, एंटीथीसिस उसका आता है और फिर सिंथेसिस बनता है। मतलब एक आइडिया आया, उसका अपोजिशन आया और फिर सिंथेसिस बना, और फिर सिंथेसिस का जो है फिर अपोजिशन बनेगा, थीसिस, फिर एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस, यही होते रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको इस तरीके से बताते हैं। और एंगल्स बताते हैं कि ये चलता रहेगा, हैगल बताते हैं, और मार्क्स बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये चलेगा नहीं जब तक, चलेगा जब तक कम्युनिज्म स्टेब्लिश नहीं हो जाता। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के अंदर वो बताते हैं तीन लॉज इंपॉर्टेंट है, द इंटरपेनिट्रेशन ऑफ अपोजिट्स, मतलब दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ जो है संभव निकल रही है ना, जैसे कि अगर आप, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सामने लगा ये है, तो ये चीज़ निकल रही है, तो इंटरपेनिट्रेशन ऑफ अपोजिट्स हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी इंटू क्वांटिटी, मतलब बताने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी मतलब प्रॉपर्टी होती है उनके लिए, क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम होता है, तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी वो अब एग्जिस्ट करेगी क्योंकि अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब जो सोसाइटी में जो चीज़ आ रही है, नया आइडिया आ रहा है, उसको फिर से वापस जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और ये प्रोग्रेसिव चेंज है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म साइंटिफिक बेसिस है मार्क्सिज्म का, ये बताता है कि किस तरीके से हर इंडिविजुअल का जो होता है कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, उसकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप से ही जो है शेप होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पैसा है, ऐसा उनको बताते हैं। और ये जो है अपना आइडिया देते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर, बुक के अंदर, तो वो बताते हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। देखिए ये ट्राइंगल आप देख सकते हैं, तो वो बताते हैं कि ये जो है ना एक पूरा ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें जो बेस है, बेस जो है ना, ये वाला जो बेस है आप देख सकते हो, ये वाला जो बेस है, तो ये वाला बेस जो होता है ये होता है इकोनॉमी का, इकोनॉमिकल बेस है ये, इसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, बेस है ये, फाउंडेशन है। ठीक है, अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो बेस हो गया ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब कौन प्रोडक्शन कर रहा है, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक ऐसा रिलेशन रहेगा जिसके पास क्या कहते हैं पैसा रहेगा, और एक जो रहेगा जो दूसरे से काम करवाएगा, तो इसके रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये आ जाएगा। ठीक है, और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ये आ जाएगा। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में दो तरीके के आ जाएंगे, एक हैव्स एंड हैव नॉट, इजी सी बात है। ठीक है, जो मालिक रहेगा वो हैव्स रहेगा, जो क्या कहते हैं प्रजा रहेगी जो काम करेगी, वर्कर्स रहेंगे, हैव नॉट रहेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो मशीनरी वगैरह, टूल्स वगैरह, और लेबर, यहाँ पर जो है लेबर ऑफ पावर आ जाता है, लेबर भी तो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हमारी, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इसके बाद वो क्या बताते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को आप बता सकते हो, पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को आप बता सकते हो, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और ह्यूमन नॉलेज वगैरह। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। तो देखिए मार्क्सिज्म किस तरीके से बताते हैं, मार्क्सिज्म बताते हैं कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब सबसे पहले एक टाइम था जब है ना क्या कहते हैं कम्युनिज्म हुआ करता था, वहाँ पर है ना हाउस होल्ड भी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उससे जो है ट्रांजिशन हो गया, मतलब एंशियंट कम्युनल सोसाइटी थी उससे ट्रांजिशन हो गया स्लेव ओनिंग सोसाइटी का, कैसे हो गया, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई और मास्टर और स्लेव जो है आपस में लड़ने लग गए। फिर मेडिवल टाइम्स में क्या हुआ कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन आ गया, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन आ गया, तो उसके कारण क्या हो गया फ्यूडलिज्म क्यों कैसे आया, फ्यूडलिज्म के राइज की वजह से आया, और वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा फिर फ्यूडल सोसाइटी का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर जो है लॉर्ड और सर्व, लॉर्ड मतलब जो क्या कहते हैं जो लैंड ओनिंग है वो, और सर्व मतलब जो उसके वहाँ काम करता है। मॉडर्न टाइम्स में लार्ज स्केल मशीन बेस्ड प्रोडक्शन आ गया, तो कैपिटलिज्म बढ़ गया, कैपिटलिज्म आ गया, कैपिटलिज्म से कैपिटल सोसाइटी बन गई, और कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो जो है स्ट्रेन हो गया, मतलब लड़ने लग गए। फिर फ्यूचर में क्या होगा बताते हैं, रिवॉल्यूशन आएगा, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आएगा, सोशलिस्ट सोसाइटी बनेगी, वर्कर्स पावर में आएंगे और कैपिटलिस्ट जो है वो सब्जुगेट हो जाएंगे, और फ्यूचर में जो है कैपिटलिज्म जो है बचा हुआ थोड़ा बहुत जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट सोसाइटी बन जाएगी क्योंकि कोई क्लास कंटिन्यू क्लास ही नहीं रहेगी। तो ऐसा बताने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कहीं पर भी वर्ल्ड में आपको देखने को नहीं मिलता है। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट थर्ड बेसिस है, सोशियोलॉजिकल बेसिस है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, मार्क्स बताते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, वो बताते हैं कि हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होता है दूसरे से रिप्लेस करता है, लेकिन सोशल स्ट्रगल तो हमेशा से रहा ना, जैसे कि यहाँ पहले स्लेव ओनिंग सोसाइटी थी, फ्यूडल सोसाइटी बनी, कैपिटल सोसाइटी बनी, लेकिन हमेशा से कंटेंडिंग क्लासेस तो थी ना, तो इसको बताते हैं जब भी कंटेंडिंग क्लासेस खत्म होगी, जब कम्युनिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और वो बताते हैं डिवीजन हमेशा सोसाइटी का कैसा होता है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, जिसके पास पैसे होते हैं, दौलत होती है, सब होता है, हैव्स हैव्स नॉट जो होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, और इसलिए जो है ये डोमिनेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और ये टेंडेंसी करते हैं, टेंडेंसी ऑफ सप्रेशन, ये सप्रेस करते हैं लोगों को, और इन लोगों का मन होता है कि इनको हटा दो, और इसलिए क्लास क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मतलब बताते हैं कि जिनेसिस
क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। सरप्लस वैल्यू की बात करें तो इकोनॉमिक बेसिस से कैपिटलिज्म और प्रोडक्शन को क्रिटिसाइज करती है क्योंकि इसमें एक्सप्लॉटेशन होता है और बताया जाता है कि लेबर जो है वो पूरा वैल्यू क्रिएट करता है। मतलब देखिए वो बताते हैं कि लेबर जो पूरा वैल्यू प्रोड्यूस करता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक तो जो लेबर को दिया जाता है वेजेस जो कि बहुत कम होता है, प्रॉफिट जो कि कैपिटलिस्ट सब खुद रख लेते हैं। ठीक है, तो बताते हैं कि जो वैल्यू जो कम्युनिटी में ऐड हुई, जिसकी अगर आटा था ठीक है तो आटे को सॉरी हाँ आटे से आपने क्या बनाया, पिज्ज़ा ब्रेड बनाया। ठीक है, तो जो मेहनत करके बनाया उसको तो बहुत कम मिलेगा, उसकी पैकेजिंग करके जो कंपनी बेच रही है उसको ज़्यादा मिलेगा। तो बेसिकली जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो वर्कर की जो वैल्यू है उसको वही वैल्यू किसको दी जाती है, प्रॉफिट के रूप में कैपिटलिस्ट को दी जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण कैपिटलिस्ट जो है, मैंने आपको पहले बताया, निगोशिएट करते हैं वर्कर के साथ, उनकी वेज जो है कम होती जा रही है। सरप्लस वैल्यू की बात ये हो रही है कि वैल्यू जो लेबर कर रहा है उसको पेड नहीं दिया जा रहा है उसके लिए। रिवॉल्यूशन की बात करें तो क्लास स्ट्रगल होने से एक टाइम पे क्या होता है, रिवॉल्यूशन आ जाता है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, प्रोलेटेरियट रिवॉल्यूशन जो है लास्ट रिवॉल्यूशन लाइक क्योंकि बोलते हैं कि कॉन्ट्रेडिकेशन ही खत्म हो जाएगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बताते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म बताते हैं, स्लेवरी सिस्टम बताते हैं, फ्यूडलिज्म बताते हैं, ठीक है कैपिटलिज्म बताते हैं, और यहाँ पर बूर्जुआ फिर रिवॉल्यूशन करेंगे और फिर कम्युनिज्म का जो है एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट रहेगी उससे पहले, ठीक है, उसके बाद कम्युनिज्म एस्टेब्लिश होगा। मतलब जो है हमेशा से क्या रहेगा, पहले डोमिनेशन जो रहेगा वो पुअर का रहेगा थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, कम्युनिज्म एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, सोशलिस्ट स्टेट से कम्युनिज्म हो जाएगा, वहाँ क्लासलेस, स्टेटलेस, प्रॉपर्टीलेस, एक्सप्लॉयटेशनलेस जो है सोसाइटी रहेगी और कॉपरेशन से काम चलेगा और स्टेट का कोई नाम नहीं रहेगा। तो मार्क्सिज्म को आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम बता सकते हो, फिलोसफिकल एंथ्रोपोलॉजी बता सकते हो, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री बता सकते हो, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच को भी यूज़ किया है, साइंटिफिक अप्रोच को भी यूज़ किया है और इकोनॉमिक यूज़ को भी, चीज़ों को भी यूज़ किया है। ये मार्क्सिज्म पॉलिटिक्स में कब यूज़ हुआ है, रशियन रिवॉल्यूशन में देखने को मिलता है 1917 में, व्लादिमीर लेनिन जोसेफ स्टालिन द्वारा यूज़ करा जाता है, बाद में जाकर माओ ज़ेडोंग द्वारा यूज़ किया जाता है, लियो ट्रॉट्स्की द्वारा यूज़ किया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी सेटअप हुई थी इंडिया में भी हुई थी, सोवियत यूनियन में तो बहुत टाइम तक चली, पीआरसी जो है चाइना में चल रही है, क्यूबा जो है 1959 में बनी, क्यूबा में बनी थी तो वहाँ भी चल रही है। अब न्यू मार्क्सिज्म यानी जो यंग मार्क्स के जो आइडियाज थे वो न्यू मार्क्सिज्म का पार्ट बनते हैं, जो कि इकोनॉमिक फिलोसफिकल मैनुस्क्रिप्ट में पब्लिश है 1844 में, उसमें थ्योरी ऑफ एलिनेशन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थ्योरी ऑफ एलिनेशन में मार्क्स बताते हैं कि चार लेवल ऑफ एलिनेशन होते हैं, पहले मैन को जो है एलिनेट किया जाता है फ्रॉम हिज ओन प्रोडक्ट, तो मैन को पहले एलिनेशन किया जाता है, वो वर्कर जो है डिसाइड नहीं करता वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फिर वो नेचर से एलिनेटेड होता है। एलिनेशन को करीबन आधे घंटे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आपको एलिनेशन में डाउट है तो वहाँ से आप पढ़ लेना। एलिनेशन जो है मैक्स मार्क्स बताते हैं कि एलिनेटेड से होता है नेचर से, वर्कर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि मैकेनाइज्ड वर्क जो है बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट में जो वर्क होता है बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है और वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ इट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, नेचर से एलिनेटेड हो जाता है। और फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेकेंड होता है नेचर से एलिनेशन, थर्ड होता है मैन एलिनेटेड होता है दूसरे मैन से, कॉम्पिटेटिव कैरेक्टर कैपिटल सोसाइटी से, हर एक इंसान जो है क्या कहते हैं दूसरे के कॉस्ट पर काम कर रहा है, क्योंकि अगर आपको जॉब लगी तो मुझे नहीं लगेगी, मुझे लगी तो आपको नहीं लगेगी, ठीक है। मैन जो है खुद से फाइनली एलिनेटेड हो जाता है क्योंकि वो लिटरेचर आर्ट कल्चर सबको एंजॉय नहीं कर पाता, सिर्फ काम करता रहता है। उस टाइम पर जो है जब मार्क्स ने बातें लिखी थी, वर्कर से 12 14 16 18 घंटे काम किया जाता था, ठीक है, उनको सोने का तक का टाइम दिया जाता था, इतना उनसे काम कराया जाता था, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। तो एलिनेशन जो है एलिनर वर्ड से आया है, मतलब होता है डिरा एंड टेक अवे का, मतलब उसे छीन देना। तो मार्क्सिज्म का स्टेट का नोशन क्या है वो समझ लेते हैं। मार्क्सिज्म जो है इस तरीके से बताते हैं कि कोई स्टेट नहीं था प्री कम्युनिस्ट टाइम में, जब बहुत बहुत पहले मतलब 5,000 साल पहले कोई स्टेट हुआ करता होगा क्या, तो बोलते हैं कि अब जो है क्या कहते हैं स्टेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो बनाई गई है लिबरल्स द्वारा, वो सिर्फ बूर्जुआ के इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ फ्रीडम भी उन्होंने दी थी, इसमें थ्योरी ऑफ फ्रीडम मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम बताते हैं कि फ्रीडम को सब है ही नहीं, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज वहाँ पर जो है क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम जो है क्या कहते हैं किसको मिलती है, बूर्जुआ क्लास को मिलती है और जो पुअर है उनको फ्रीडम नहीं मिलती है। 10 पॉइंट्स है मार्क्सिज्म के जो कि उसी बुक में सबको मिलते हैं, उनको बोलते हैं प्रॉपर्टी को अबॉलिश करना है, लैंड को अबॉलिश करना है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स हैवी लगाना है, राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस को अबॉलिश करना है, आपकी प्रॉपर्टी आपके मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी ऑफ इमिग्रेंट्स को आपको जब्त कर लेना है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन करना है क्रेडिट का, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को सेंट्रलाइजेशन करना है, फैक्ट्री जो है बढ़ानी है, इक्वल लाइबिलिटी करनी है सब लोग के ऊपर, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को यू नो कॉम्बाइन करके टाउन और सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म करना है, फ्री एजुकेशन सबको देना है। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स मैंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं,
तो ये आपको यहाँ से 10 पॉइंट मिल जाएंगे। अब आज के टाइम पे न्यू मार्क्सिज्म दो तरीके से बांटा जा सकता है, ह्यूमनिस्ट पार्ट और एक होता है साइंटिफिक पार्ट। साइंटिफिक एक्सप्लेनेटरी जो देता है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का न्यू मार्क्सिज्म, और ह्यूमनिस्ट जो है वो एलिनेशन और ह्यूमन इमेंसिपेशन की बात करता है। तो दोनों आपको याद रखना है, एक होता है ह्यूमनिस्ट और एक होता है साइंटिफिक। मार्क्सिज्म के क्रिटिक की बात कर ले तो सोशलिज्म जो है जिसकी खत्म हो गया ईस्टर्न यूरोप में, USSR खत्म हो गई, तो मार्क्सिस्ट पॉलिसी के बारे में फिर हमने सोचने लग गए। दूसरी कंट्री जैसे कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो थी तो है कम्युनिस्ट है, लेकिन वो जो है लिबरल की तरफ बढ़ रही है। एक्सपीरियंस बताता है कि स्टेट जब अगर हम स्टेट के बदले जो है हम मतलब ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट हटा बल्कि लिबरलिज्म की तरफ सारी कंट्रीज बढ़ने लग गई है। मार्क्सिज्म ने कभी मिडिल क्लास के बारे में बात ही नहीं की, सिर्फ हमेशा से कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में और बूर्जुआ के बारे में बात की। कैपिटलिस्ट क्लास आज भी है, कैपिटल सिस्टम आज भी है, वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। वर्कर कंडीशन जो है क्या कहते हैं मतलब वर्कर कंडीशन जो है इम्प्रूव हो रही है। साथ साथ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करें तो वो इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वो बताता है कि सिर्फ इकोनॉमिक के बारे में बात होती रहती है, कास्ट क्लास के बारे में बात नहीं होती। इंडिया में आप देखोगे बहुत अमीर अमीर लोग भी है, लेकिन क्योंकि उनकी कास्ट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, तो वो सब चीज़ों के बारे में मार्क्स जो है बात नहीं करते। ये मार्क्स से क्रिटिज्म हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। और उसके बाद फिर है हम डिस्कस कर लेते हैं एनार्किज्म को। तो हम देख लेते हैं एनार्किज्म के बारे में। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को रेफर करके नोट्स बनाए, ओपी गाबा एंड एडवर्ड सॉल का मटेरियल, जैसे कि आप देख सकते हैं। एनार्किज्म का मीनिंग होता है विदाउट रूल, ग्रीक वर्क एनाको से आया है, ठीक है। इसका मतलब होता है विदाउट रूल। ओरिजिन इसका ऐसा हुआ था, पहले तो निगेटिव सेंस में होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो लोग स्टेट को अपोज कर रहे थे उनको एनार्किस्ट बोला जा रहा था। एनार्की को अक्सर हम बोलते हैं केओस और डिसऑर्डर से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीजो ब्रूडो फर्स्ट टाइम अपनी बुक में डिक्लेयर करते हैं कि आई एम एन एनार्किस्ट, व्हाट इज प्रॉपर्टी में बताते हैं वो आई एम एन एनार्किस्ट। आइडियोलॉजी किस तरीके से एनार्किज्म की, एनार्किज्म जो है स्टेट को मानता है कि अननेसेसरी है और इविल है। वो बोलते हैं कि ऑर्डर जो कि ऊपर से आते हैं, मतलब जो अबव अथॉरिटी से आते हैं, वो जो है गलत है। और किस चीज़ को फोकस करता है, नॉन हायरार्कियल एगेलिटेरियन सोशल ऑर्डर पे फोकस करता है। इसमें आपको देखने को मिलता है अल्ट्रा लिबरलिज्म और अल्ट्रा सोशलिज्म, मतलब ये अपने आप में कोई कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं है बल्कि दो अलग अलग आइडियोलॉजी, मतलब लिबरलिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म अलग है। दोनों का बीच का मिड पॉइंट जो है ये क्या है, एनार्किज्म है, दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। एक्सट्रीम सोशलिज्म करता है ये, ठीक है, और एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म करता है, दोनों भी चीज़ें एक्सट्रीम ही करता है ये, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। और ये अपने आप को कहीं पर भी नेशनल लेवल पर स्टैब्लिश नहीं कर पाया है अभी तक के। स्पेनिश वर्ल्ड वार में जो है एक बार आपको देखने को मिलता है कि स्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसके बाद नहीं। इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि इसमें विलियम गॉडविन बताते हैं फर्स्ट टाइम जो है ओरिजिन होता है इसका, लेकिन वहाँ पर वो एनार्किस के रूप में नहीं बताते, लेकिन वो बताते हैं कि किस तरीके से यू नो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं। 1864 में पीजे प्रूडो जो है वो जो ज्वाइन करते हैं, पीजे प्रूडो के जो फॉलोअर्स हैं वो ज्वाइन करते हैं मार्क्स को, और इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन बनाते हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल बनाते हैं। लेकिन बाद में जाकर जो है बाकुनिन की वजह से रिफ्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बाकुनिन थोड़े से रिवॉल्यूशनरी रहते हैं, वो बोलते हैं कि हर चीज़ मेरे को वायलेंस से जल्दी जल्दी चाहिए। मार्क्स के थोड़े से पैसिफिस्ट होते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं पीस को। उसके बाद हम देखेंगे सिंडिकलिज्म क्या होता है, कि रिवॉल्यूशनरी ट्रेड यूनियन मूवमेंट था जो कि फ्री एसोसिएशन ऑफ वर्कर पे एम्फसाइज करता था। अगर हम बात करें एनार्किज्म की, क्या वो गोल होता है उनका, स्टेट को ख़त्म कर दो और सारे फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दो, इनफैक्ट स्कूल कॉलेजेस ये सबको भी वो समझते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है, इसको ख़त्म कर दो। ह्यूमन नेचर को किस तरीके से देखते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। एनार्किस्ट में भी डिफरेंट स्टैंड है, जैसे कि गॉडविन समझते हैं कि ह्यूमन जो है रैशनल बेनोविलेंस है, रैशनल है। मैक्स स्टर्नर बोलते हैं कि वो कॉन्शियस इगोइज्म पे बिलीव करते हैं, वो इगोइस्टिक इंडिविजुअलिज्म है वो जो है। उसके बाद जो तीसरे हैं एक सेकेंड, तो म्यूचुअलिस्ट लोग बिलीव करते हैं कि ह्यूमन लोग कॉपरेट कर सकते हैं आपस में, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी कोर थिंग समझ लेते हैं, एक तो अगेंस्ट स्टेटिज्म, एंटी स्टेटिज्म रहता ही है इसमें, मतलब स्टेट के अगेंस्ट है सोसाइटी जहाँ इंडिविजुअल अपने आप को मैनेज कर सके। तो सेवेस्टीन फोर जो है चार, मतलब सोच सकते हैं आप, चार बुक उन्होंने लिखी थी, फोर वॉल्यूम ऑफ एनसाइक्लोपीडिया एनार्किस्ट लिखी थी उन्होंने, फोर वॉल्यूम ऑफ एनसाइक्लोपीडिया एनार्किस्ट नाम याद रख लेना। उसमें बताते हैं कि एनार्किज्म क्या है, निगेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, एनार्किज्म निगेशन है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी का, अथॉरिटी ऑफेंस है, मतलब इक्वालिटी का अगेंस्ट ऑफेंस है, स्टेट सुप्रीम अथॉरिटी दिया जाता है, स्टेट एक्सप्लॉयटेटिव है, इंडिविजुअल से अपनी लिबर्टी को रूट लेता है और फेवर करता है वेल्दी और प्रिविलेज को। और जैसे कि एक्ट बताते हैं कि पावर टेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
नेचुरल ऑर्डर की बात करें तो स्टेट ऑफ नेचर सजेस्ट करते हैं जैसे कि हॉब्स एंड लॉक्स को कम्प्लीटली रिवर्स कर जाता है। जैसे कि हॉब्स लॉक बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा, जब कोई भी स्टेट नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, सब लोग क्रूअल रहेगा, ब्रूटिश रहेगा, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, ये लोग सब आपस में अच्छे से रहेंगे और ह्यूमन नेचर जो है मॉरली गुड होता है। कलेक्टिव के लिए क्या होता है ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन के पास कैपेसिटी रहती है कि वो कॉपरेट कर लेगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल एनार्किस्ट के लिए क्या होती है, दो तरीके के ब्रॉड एनार्किस्ट होते हैं। वो ह्यूमन इंडिविजुअल मानते हैं कि ह्यूमन जो है वो एनलाइटेंड है और वो लोग जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका एंटी क्लरिकलिज्म मतलब रिलीजन के अगेंस्ट है। एक मैंने आपको ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, नेचुरल ऑर्डर पर बिलीव करते हैं, एंटी स्टेटिज्म है और एंटी क्लरिकलिज्म है, क्योंकि रिलीजन एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, इसलिए वो जो है इसके अपोज है। लेकिन बाद में जाकर जो है जैसे कि बाकुनिन और प्रूडो ने क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट किया, बाद में जाकर जो है वो रिलीजन को दूसरे दूसरे फॉर्म में जो है सपोर्ट मिलने लग गया, अभी एनार्किस्ट के फॉर्म में। अभी देखेंगे हम इकोनॉमिक फ्रीडम को, तो इकोनॉमिक फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं दोनों भी, दोनों मतलब अलग अलग तरीके से करते हैं। इंडिविजुअल एनार्किस्ट क्या बोलते हैं कि मार्केट और प्राइवेट इकोनॉमी होना चाहिए, और ये लोग बोलते हैं कि कलेक्टिव ओनरशिप होना चाहिए, ठीक है। और इनको हम एनार्को कम्युनिस्ट कहते हैं, इसलिए इसको हम एनार्को कैपिटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये लोग जो है जैसे कि आज इस टाइम पे हम देख सकते हैं स्टेट यूएसएसआर फॉर्म हुआ उस फॉर्म में आप देख सकते हैं, लेकिन दोनों भी मैनेज कैपिटलिज्म के अपोज है। मैनेज कैपिटलिज्म में क्या होता है कि स्टेट जो होता है थोड़ा दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो चीज़ होती है मैनेज कैपिटलिज्म, मतलब फिक्स्ड और फ्लोटिंग के बीच का जो सिस्टम होता है उसे मैनेज कैपिटलिज्म कहते हैं। बाकुनिन ने इंटायर सोशल ऑर्डर को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एक सोशल एलीट एलीट था जो एक्सप्लॉइट करते रहता है सबको, एक स्मॉल सेक्शन जो एक्सप्लॉइट भी होता है दूसरों को भी एक्सप्लॉइट करता है, और लार्ज मेजोरिटी जो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेस्ड होती है। तो इस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर है। देखिए टाइप ऑफ एनार्किस्ट में दो तरीके के होते हैं, ब्रॉडली बता रही हूँ मैं, ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं, कलेक्टिविस्ट और एक इंडिविजुअलिस्ट। कलेक्टिविस्ट के अंदर आपको देखने को बताया कि म्यूचुअलिज्म दोनों के बीच में, तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कलेक्टिविस्ट में आपको एनार्को सिंडिकलिज्म देखने को मिलता है, जो कि सिंडिकलिज्म मैंने आपको बताया था फ्रांस में जो है सबसे पहले चालू हुआ, वहाँ पर ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ, वेजेस को जो है डिमांड किया गया, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात की गई, और उस टाइम पे जो है फ्रेंच जॉर्ज यूजिन सोरेल एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, वो बोलते थे कि कम्यून की जगह पे हमें ट्रेड यूनियन जो है एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो एनार्को सिंडिकलिज्म मतलब एक वर्कर का डोमिनेटिंग मूवमेंट था जो कि बॉयकॉट करता था और कहीं ना कहीं जो है डिमांड करता था कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी चाहिए। एनार्को कम्युनिज्म भी इसका पार्ट है, क्रोपोटकिन जो है इसको सपोर्ट करते हैं, म्यूचुअल कॉपरेशन एड को सपोर्ट करते हैं, स्मॉल सेल्फ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करते हैं, कलेक्टिव ओनरशिप एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, जो पीटर क्रॉफर्ड की नेमा गोल्डमैन और जोसेफ डिजैक को उसमें आपको देखने को मिलते हैं। अब इंडिविजुअलिज्म पढ़ते हैं, फिर मैं आपको म्यूचुअलिज्म समझाऊंगी। इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म जो है वो क्या होता है, इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म जो होता है सॉवरेन इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं, गवर्नमेंट को डिसमिस करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा एक्सट्रीम वर्जन में चल जाते हैं इंडिविजुअलिज्म के, और इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर, और जो बाद में मार्क्स लीनर आते हैं वो इगोइज्म में बहुत एक्सट्रीम में चल जाते हैं, वो अपनी बुक लिखते ही ईगो एंड इट्स ओन ईगो और सेल्फ की बात करते हैं, और इंडिविजुअल को सेंटर बताते हैं। निहिलिज्म मतलब हर चीज़ को रिजेक्ट करना, और नीत्से जो है नीत्से को जो है वो माना जाता है फिलोसफिकल एनार्किस्ट, ठीक है। तो ये इसका ये एक पार्ट है, तो आपको उसमें आप गॉडविन और एक तो है मैक्स टर्नर और इसके नीत्से का आप बात कर सकते हो। लिबर्टेरियनिज्म इसके अंदर स्टैंड निकल कर आता है, जिसमें हेनरी डेविड बेंजामिन टकर, ठीक है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि ये लोग क्या सपोर्ट करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि लॉ अबॉलिश कर लो, कोड अबॉलिश कर लो, सब अबॉलिश कर दो और मार्केट को डीरेगुलेट कर दो। लिबर्टेरियनिज्म एफ पे हायक बीच में भी आते हैं, ठीक है। एनार्को कैपिटलिज्म देखिए, ये थोड़ा सा आपको लिबर्टेरियन जो है ये आपको किसमें देखने को मिला, लिबरलिज्म में भी देखने को मिला, तो मैं आपको बोला ना कि दोनों का थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग रहेगा, ठीक है। जैसे कि एनार्को कैपिटलिज्म भी थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग रहेगा, रॉबर्ट नॉजिक आप मॉडर्न न्यू लिबरल भी समझ सकते हो, आप उसको एनार्को कैपिटलिज्म भी समझ सकते हो, आयन रैंड, मूरे रोथबर्ड, डेविड फ्रीडमैन, ठीक है। ये बोलते हैं कि मार्केट को इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये लिबर्टेरियंस हो गया, एनार्को कैपिटलिज्म हो गया, और साथ साथ जो है इसके अंदर हमने देख लिया ईगोइज्म वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंडिविजुअलिस्ट के अंदर तीन तरीके के बुक है। अब जो म्यूचुअलिज्म होता है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म बता रही हूँ, दोनों के बीच में होता है। म्यूचुअलिज्म जो है पीजे प्रोडो का आइडिया होता है, वो बताते हैं कि दोनों चीज़ों को मतलब बोलते हैं कि ओनरशिप और प्रॉपर्टी रहेगी लेकिन एक्सप्लॉटेशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, सोशल हार्मनी रहना चाहिए, मार्केट को सपोर्ट करते हैं लेकिन फिर भी जो है क्या कहते हैं थोड़ा बहुत स्टेट का इंटरवेंशन रहना चाहिए, कहीं ना कहीं कलेक्टिविस्ट और इंडिविजुअलिस्ट के बीच में है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ गया, तो इस तरीके से करोगे इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किज्म और कलेक्टिविस्ट एनार्किज्म। ये अल्ट्रा लिबरलिज्म है, ये अल्ट्रा सोशलिज्म है, ये एक्सट्रीम कलेक्टिविज्म की बात करता है, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, ये सॉवरेन
बॉडी है, आपका हाथ नहीं काम करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी में कुछ चीज़ खराब है, आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा, ये ऑर्गेनिसिज्म होता है। तो पूरी सोसाइटी एक साथ काम करती है। वैसे ही एटोमिज्म मतलब हर एक एटोम जो है आपस में जो है इंडिविजुअल है, अलग अलग है, उसको ज़रूरत नहीं है दूसरे एटोम की। ठीक है, ये इकोइज्म की बात करते हैं, ये कम्युनलिज्म की बात करते हैं, ये मार्केट रिलेशन की बात करते हैं, ये सोशल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ये कॉमन ओनरशिप की बात करते हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एनाको कैपिटलिज्म का फॉर्म लेते हैं और ये एनाको कम्युनिज्म का फॉर्म लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ लिया। अब रूट्स एनाकी में, एनाकी को अचीव करने का तरीका क्या है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, अलग अलग तरीके से एनार्किस्ट जो अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं, होते हैं रिवॉल्यूशनरी वॉलेंस वाले, वो होते हैं फोकस करते हैं इंसरेक्शन पे, रिवॉल्ट पे, जिसमें मिकाइल बाकुनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो अलायंस फॉर सोशल डेमोक्रेसी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको फिर देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मालाटेस्टा, इटली के अंदर, इटली के अंदर, रशियन पॉपुलिस्ट के अंदर, जपाटा मैक्सिको के अंदर, इस तरीके के अपराइजिंग होते हैं। वायलेंस को जस्टिफाई इसलिए माना जाता है बिकॉज वो लोग बोलते हैं कि जो स्टेट है उसके अगेंस्ट जो है क्या कहते हैं वायलेंस जस्टिफाइड है, बदला है ये। दूसरा होता है डायरेक्ट एक्शन, जिसमें गांधी जी भी जाते हैं। गांधी जी मतलब जैसे कि पैसिव रेजिस्टेंस से लेकर टेररिज्म, अलग अलग तरीके के डायरेक्ट एक्शन होते हैं। गांधी जी जैसे पैसिव रेजिस्टेंस करते हैं, सत्याग्रह को अपनाते हैं, मास पॉपुलर प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ये सब डायरेक्ट एक्शन है। और टेररिज्म भी कुछ लोग करने लग जाते हैं, वो भी जो है डायरेक्ट एक्शन है, जैसे कि नाको सिंडिकलिज्म, ये सब करते हैं। नो नीड ऑफ गवर्नमेंट चाहिए उनको, गवर्नमेंट नहीं चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन आप कर दो, डायरेक्ट एक्शन पे। एनाको पैसिफिज्म मतलब पीस और नॉन वायलेंस को सपोर्ट करना। इसमें आपको गॉडविन ट्रूडो, लियो टॉल्स्टॉय, गांधी जी इसमें भी दिखेंगे आपको। गांधी जी दोनों तरीका अपनाते थे, मतलब पैसिफिस्ट भी थे और डायरेक्ट एक्शन भी वो अपनाते थे। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि मॉरल ह्यूमन बींग्स को जो है माना जा रहा है ऑटोनॉमस क्रिएचर्स। पॉलिटिकल अप्रोच में आपको देखने को मिल रहा है नॉन वायलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन वायलेंस मतलब आप जो है नॉन वायलेंस को इस तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हो लीगली, ठीक है, इलीगली नहीं। तो एनाको पैसिफिस्ट, एनाको डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, और रिवॉल्यूशनरी वायलेंस, तीन तरीके के होते हैं। चौथा तरीके का निकल कर आया था एगोरिज्म। तो एगोरिज्म जो है कि किसका पार्ट है, एनाको कैपिटलिज्म और लिबर्टेरियंस का जो है फ्यूजन है। मैंने आपको दो चीज़ों पर पढ़ाई ना, देखिए एनाको कैपिटलिज्म, लिबर्टेरियंस पढ़ाया, उन दोनों का फ्यूजन निकल कर आता है एगोरिज्म। ठीक है, जो कि सैमुअल एडवर्ड कॉनकिन के द्वारा बनाया जाता है, और मुरे रोथबर्ड का आइडिया भी बनाया जाता है कि सोसाइटी में वॉलेंटरी एक्सचेंज होगा और कम्प्लीटली फ्री मार्केट। दोनों को मतलब कंबाइन कर दिया गया है, एगोरिज्म लिबर्टेरियनिज्म के आइडिया को कंबाइन किया गया। अब एनार्किस्ट की जो है क्रिटिसिज्म उस तरीके से निकल कर आते हैं कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हुए, मतलब इंडिविजुअल आपस में कॉपरेट कैसे करेगा अगर स्टेट खत्म हो जाएंगे तो। और बहुत सारे प्रॉब्लम है जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, उसको आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर देखना होता है, और ये ट्रांसपेरेंसी और ब्यूरोक्रेसी को अपना सकते हो आपकी मतलब वेज टू इम्प्रूव द मतलब पावर को चेक भी तो कर सकते हो, जैसे कि पावर को चेक करने के लिए पावर वापस पावर इट पावर को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप स्टेट ही खत्म कर दोगे तो कैसे चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है इसके क्रिटिक्स हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। ये थर्ड पार्ट था आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का शॉर्ट रिविजन का। एक फोर्थ पार्ट के साथ मैं आऊँगी और उसमें आपका कम्प्लीट जो है ख़त्म हो जाएगा वन शॉर्ट रिविजन। आई होप यू लाइक द वीडियो, बहुत मेहनत लगी है, बट सॉरी फॉर द डिले, लेकिन आपको जो है क्या कहते हैं अगर आप ये देख गए वीडियो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इन योर एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इट इज देन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।